डिजिटल ये डिजिटल मल्टीमीटर का मतलब है सारे जो भी यहाँ पे सारी चीजें जो आएगी वो सारी डिजिटल में आएगी, ठीक है। और ये कौन सा मीटर है? ये एनालॉग है। इसके अंदर ये निडल है, पॉइंटर जुड़ा हुआ है, जैसे अपन जैसे कोई भी सप्लाई चेक करेंगे या कुछ भी रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो ये अपने को बता देगा। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, यदि आपसे कोई कहते हैं कि एनालॉग कौन सा है और डिजिटल कौन सा है, तो एनालॉग तो ये रहा, डिजिटल आपके पास ये रहा, ठीक है। एनालॉग से भी आप चेक करोगे तो एनालॉग से भी ये रीडिंग दे देगा, और मल्टीमीटर से भी करोगे तो भी ये रीडिंग दे देगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले टेस्टिंग किसके द्वारा करते हैं? डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा। डिजिटल मल्टीमीटर में क्या होता है, ये एसी वोल्टेज होता है, ये डीसी एम्पियर होता है, ठीक है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स के है, और ये बेस्ट अपने इलेक्ट्रिक में आता है कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए, और ये यहाँ पे क्या आता है रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि ये रेजिस्टेंस है, ये जितनी भी वैल्यू नज़र आ रही है आपको के और ओम का प्रतीक, ये रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज है, समझ में आ गई। और ये आप ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए क्या जाता है, ठीक है। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, ये दो लीड है, यदि आप एसी चेक करें और डीसी चेक करें तो इनका आपको इंटरचेंज करना पड़ता है। कॉमन तो कॉमन में ही रहेगा, ये क्या है कॉमन है, ये तो कॉमन का कॉमन में रहेगा, चेंज कौन सा होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला। जैसे ये डीसी की एम्पियर है मापने के लिए, जैसे यहाँ दे रखा है 10 एम्पियर मैक्सिमम, इस मल्टीमीटर से आप डीसी की जो एम्पियर है वो 10 एम्पियर तक मैक्सिमम माप सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं मापोगे नहीं तो ये उठ जाएगा, क्लियर हो गया। तो एम्पियर मापने के लिए अपन को इस लीड को क्या करना है, यहाँ से यहाँ अगर डायरेक्ट आपको इस डीसी दे दे, अगर वो ये एम्पियर के लिए अगर आप बैटरी की जैसे एम्पियर माप रहे हो तो आप क्या करो इस एम्पियर को यहाँ पर रख दो, ये तो आपको बता देगा कि मैक्सिमम 10 एम्पियर के आसपास बताता है, तो यहाँ पे आप चेक करके देख लो, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है डीसी में आप कभी भी चेक करो तो पॉलरिटी होनी चाहिए, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, जैसे ये पॉलरिटी, जैसे ये इधर पॉजिटिव है और ये माइनस है, ठीक है। तो अब कितना आ रही है, 0.47 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉलरिटी अगर मैं इसमें माइनस में रखता हूँ, उल्टा करता हूँ तो उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, मतलब पॉलरिटी विपरीत है आपके पास में, समझ में आ गए। तो डीसी का पहला मकसद ये कहता है कि पॉलरिटी क्या होनी चाहिए, प्लस से प्लस माइनस होना, ये धारा को मापे मल्टीमीटर के बाद। अब जैसे वोल्टेज मापने डीसी वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डीसी वोल्टेज ये वाले, यानी ये चिन्ह बना हुआ है, ये वैसे 9 वोल्ट की बैटरी, अब कितने वोल्ट है ये पता नहीं, तो अपन ये चेक कर देते हैं, वही पॉलरिटी वाला सिस्टम, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, ये 8 वोल्ट है, यानी कि ये बता देगा अभी ये, इससे क्या चेक होता है, बैटरी चेक हो जाएगा, बैटरी के वोल्टेज चेक हो जाएगा। अगर मैं ये कह दूँ कि सर एसी वोल्टेज बताऊँ, तो एसी वोल्टेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 750 पे रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप 200 पे रख दो, 200 पे रखोगे तो अपनी जो वोल्टेज आती है वो एक्चुअल आती है 230 240 250, तो ज़्यादा आ जाएगी तो उठ जाएगा, समझ में आ गया। तो 250 पे आपको इसको रखनी है, 750 पर तो वोल्टेज बता देगा, ये नहीं बताएगा स्विच बटन, ठीक है, ये आ जाएगी आपके, ये जो वोल्टेज आ रहा है ना, ये कुछ थोड़ा बहुत एरर भी हो सकता है रेजिस्टेंस का कुछ, ठीक है ना, कंपोनेंट्स वगैरह, तो वोल्टेज ही बता रहा है आपका, ये कौन सा वोल्टेज है आपके पास में, एसी वोल्टेज है, क्लियर हो गया। दूसरी बात अगर आपसे पूछे कि भाई कंटिन्यूटी चेक करके बताओ मुझे, कि जैसे कोई तार में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं तार बीच से ब्रेक नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी टेस्ट करनी पड़ेगी। और इस नीडल का खास तौर से ध्यान रखा, जहाँ ये चिन्ह होता है वो चिन्ह ही आपको दिखाएगा कि आप काम क्या कर रहे हो, ठीक है। जैसे इसकी कंटिन्यूटी अगर आप चेक करोगे तो बता देगा आपको ये मल्टीमीटर, ठीक है। अभी तो आवाज़ दे नहीं रहा है, हो सकता है डिस्चार्ज हो गया होगा, है ना, ठीक है ना, तो इसकी एक कंटिन्यूटी बताएगा ये, थोड़ा ठोको नहीं झटको दो मल्टीमीटर, चल गई। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी टेस्ट हो जाएगा इसका, क्लियर। अब क्या सर, ये देखो हमने डीसी वोल्टेज भी माप लिए, हमने एसी वोल्टेज भी माप लिए, हमने धारा भी माप ली, एसी धारा भी माप ली, और बाकी ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अपने का जो मेन आता है ये कंटिन्यूटी का होता है, ठीक है, उसके हाँ, और ये आती है आपके वो रेजिस्टेंस। अब सर के रेजिस्टेंस कैसे मापेंगे, तो ये जैसे ये रहा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या कहता है कि एक तरफ जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव, तो एक तरफ रेजिस्टेंस का मान ज्यादा क्या होना चाहिए, आपको रीडिंग दे रहा जला हुआ तो रीडिंग भी देना, ये दे रहा रीडिंग मतलब सही, ठीक है। और दूसरी तरफ इसको चेंज करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है। तो ये जब भी आपको ऐसा नज़र आ जाए कि ये कंपोनेंट कौन सा है,
तो ये रजिस्टर है, यानी कि रजिस्टेंस है ये, ठीक है। दूसरी बात है, ये है भाई साहब मेन चीज, इसका नाम है डायोड। क्या नाम है इसका? डायोड। अब इस डायोड को कैसे चेक करेंगे, तो देखते हैं कि डायोड सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे ये डायोड है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, ध्यान रख लेना। ये एक्चुअली क्या बताएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा कि ये कितने का है या क्या है वैल्यू इसकी, है ना। तो पहले सबसे पहले रीडिंग कहाँ पे रखो, जैसे 200 पे रखी, चेंज करते रहना। ये रखी, यहाँ पे बता रहा है नहीं बता रहा, चेंज करो 2000 पे, 2000 पे रख, 2000 कहाँ है, 20000 है वो। अरे आगे बढ़ा इसको और बढ़ा, आगे बढ़ा वोल्टेज नहीं, और बढ़ा, ये दे रहा है कितना आ रहा है, जब तक रीडिंग नहीं आती जब तक आपको इसको आगे बढ़ते रहना है। कितना आ रहा है, 200 के आसपास आ रहा है, आप इसको पलट दो, एक तरफ ज़्यादा आएगा और एक तरफ कम आएगा, ठीक है। अब वो समझ में आ गई है ना, अब तो एक तरफ ज़्यादा आएगी और एक तरफ कम आएगी, वो रीडिंग डायोड की सही मानी जाएगी। तो इसका क्या नाम है भाई, डायोड। रेजिस्टेंस कौन, ये सारे जितने भी है वो सारे डायोड है ये वाले, ठीक है, ठीक है। डायोड आता है एसी को डीसी में रेक्टिफाई करने के लिए। अब ये होते हैं छोटे वाले डायोड, ये भी डायोड के काम आते हैं, ये वाले भी सारे डायोड हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसका पहचान लोगे, बताया तो था मैंने आपको, रेजिस्टेंस है, ये प्रतिरोध है, क्लियर। और ये कंडेंसर होते हैं, क्या होते हैं ये कंडेंसर होते हैं, ये कितना माइक्रोफैरड का, जैसे 1000 माइक्रोफैरड का है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे छोटे कंपोनेंट्स के रूप में ये जो होते हैं ना, पीसीबी सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर ये लगे हुए मिलेंगे आपको, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये भी रेजिस्टेंस है आपको, ये रेजिस्टेंस है, जितने भी आपको ऐसे कलर के दिखते हैं, मल्टीपल कलर के, बताया था ना कलर कोडिंग, कलर कोडिंग के हिसाब से ये सारे रेजिस्टेंस, जैसे जैसे इस कलर कोडिंग का आपको जो चीज़ नज़र आ जाए वो डेफिनेटली एक रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, कलर कोडिंग आप इसके निकाल सकते हो। और जैसे आपको कह दूँ कि मैं डायोड लेके आऊँ भाई, तो ये डायोड 6 एम्पियर के डायोड है, ठीक है। और ये छोटे वाले तो कम एम्पियर के डायोड होंगे सारे। और अगर मैं कह दूँ कि कंडेंसर लेके आओ, तो ये आपको क्या मिलेंगे, कंडेंसर मिलेंगे छोटा वाला। जैसे ये बड़ा वाला कंडेंसर कितने का है, तो ये जो बड़े वाला जो कंडेंसर इस पे दिया हुआ है, ये भी 1000 माइक्रोफेरेड का है, 63 वोल्ट पर बना हुआ है, ठीक है। तो इससे अपन क्या चेक कर पा रहे हैं, इस मल्टीमीटर के द्वारा ये चीज़ चेक कर ली अपने। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो देखो, वोल्टेज हो गया, डीसी एसी ये सारे हो गए अपने यहाँ पे, और एम्पियर वगैरह भी हो गया। तो ये तो हो गया आपके पास में, जैसे कौन सा मीटर हो गया, मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। अगर मैं बात करता हूँ जैसे एनालॉग, क्लियर,